नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि अपमानित कोई करता है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस के लोग या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में, जो कि बात बात पे अपमानित करते रहते हैं, यानी कि कड़वे शब्द मुंह से निकालते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही हर्ट होता है, यानी कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि सामने जवाब दे देते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल मन ही मन उदास हो जाते हैं, और वो जो अपमान का शब्द होता है वो अंदर ही अंदर उनको परेशान करता रहता है, यानी कि वो उसी एक शब्द से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो हफ्तों महीनों वो बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, एक प्रकार से कहिए कि चुभती रहती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति इस तरह से बार बार अपमानित होता रहे, तो वो अगर किसी से ये बात शेयर ना करे तो भी उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है, यानी कि अंदर ही अंदर उसे ना कुछ अच्छा लगता है, ना किसी से बातें करने का दिल करता है, और ना ही उसे खाने पीने में मन लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता करना चाहिए कि ये व्यक्ति, जैसे कि आपका परिवार का कोई व्यक्ति है, या फिर आपकी फ्रेंड सर्किल का कोई व्यक्ति है, या फिर आपके समाज का यानी कि मोहल्ले का कोई आदमी है, कोई मतलब कभी भी, और क्यों करता है ये व्यक्ति? कभी कभी क्या होता है कि साथ में चार छह लोग बैठे रहते हैं, और कोई व्यक्ति फ्लो में, यानी कि ऐसे कोई बातें चल रही होती हैं, और ऐसे फ्लो में कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं, और उससे सामने वाले को हर्ट हो जाता है। तो ये तो एक अलग चीजें हो गई कि भाई कोई भावना में आके या किसी कारण बस आपने गलती से वो चीजें बोल दी हैं, उसके बाद फिर जो व्यक्ति बोलता उसे रियलाइज भी होता है कि हमने गलत कहा है, इससे सामने वाले के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई लोग जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि मतलब वो पूरा जो अच्छा खुशनुमा माहौल चलता रहता है बिल्कुल बदल ही जाता है, अलग तरीके से हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कभी भी कहीं भी कि कहीं भी इस तरह की बात होती है, आपको बुरी लगती है, आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, हमें बुरे कड़वे शब्द बोल रहा है, तो आपको चुप रहना चाहिए और मन ही मन ध्यान करना चाहिए कि सामने वाले की नीयत क्या है, क्यों वो हमें इस तरह की बातें बोल रहा है। तो आप जानने की कोशिश करेंगे, तो जैसा मैंने पहले बताया कि कोई कोई लोग फ्लो में बोल देते हैं, ऐसे उन्हें पता नहीं होता है कि हमने क्या बोला, और वो शब्द उनके मुंह से निकल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब बाद में रियलाइज होता है कि हमने ये गलत शब्द कहा है, तो वो उसकी माफी भी मांगते हैं, और मानते भी हैं कि चलो हमसे गलती हो गई है और इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। तो ये तो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन कोई कोई लोग जानबूझ के बोलते रहते हैं कि उनका काम ही होता है कि बस ऐसे माहौल को खराब करने का। यदि ऐसे हैं कोई व्यक्ति को आप जानते हैं, आपका फ्रेंड है, तो ऐसे से तो आप दूरी बना के रखें, उनके साथ ज्यादा मेलजोल आप ना रखें। तो परिवार के लोग हैं तो कभी ना कभी तो आपका सामना होगा, तो आप कोशिश करें यानी कि बचने, आप उनसे डर नहीं रहे हैं, डरने की बात मैं नहीं बोली हूँ, आप डरे ना, बचने की कोशिश करें कि हम उनके सामने ना जाएं और ऐसा माहौल ना क्रिएट हो। तो इस तरीके से बचा जा सकता है, हमें डरने की जरूरत नहीं होती, हम किसी डर के कारण ये सारे काम नहीं करते हैं। हमें अपना दिमाग, अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगानी चाहिए, फालतू की चीजों में अपना दिमाग और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमेशा सोच के रखें। और कोई कोई लोग क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन बस निकालते हैं, अंदर से जलन की भावना होती है। कोई कोई लोग कुछ अपने जीवन में कोई चीजें अचीव नहीं करी होती है, कुछ वो किसी काम के नहीं होते हैं, उनके पास किसी भी तरह की दिमाग, तहजीब, तमीज कुछ भी नहीं होती है, और फिर सामने वाला जब उनसे आगे निकल जाता है तो भी उन्हें ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं कि अरे हम तो कुछ नहीं कर पाए और सामने वाला व्यक्ति इतना कर लिया है। इसके कारण भी कुछ लोग ऐसे बातें बोल देते हैं, सामने वाले का अपमान करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखें, एक दो बारी आप चुप रहें, बिल्कुल उनके बातों पर कोई रिएक्ट ना करें। लेकिन यदि आपको बार बार वो इस तरह के करते हैं, आपके परिवार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कहीं के भी हैं, और आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं, तो आप उन्हें एक बार बहुत तेजी से फटकार दीजिए कि देखिए इस तरह आप बार बार करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और हम आपकी बेइज्जती कर देंगे। इस तरह से आप यदि कहेंगे तो आदमी डराता उसी ही है जो सामने वाले को कमजोर समझता है, उसी को लोग डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि जो जिनका दिल मजबूत होता है, जो खुद मजबूत होते हैं, वो सामने वाले को परेशान करते ही नहीं है, पहली बात तो ये है।
तो यदि वो अंदर से कमजोर हैं, वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वो अपनी जलन निकाल रहे हैं आपके ऊपर, तो एक वो दो बारी आप इग्नोर कर दीजिए कि फालतू चीजों में आपको नहीं पड़ना है। यदि आपके साथ वही व्यक्ति बार बार इस तरह का काम करता है तो आप अपने अंदर एक एनर्जी लाएं और सामने वाले को बिल्कुल सबके सामने, अकेले में नहीं करना है, अकेले में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सबके सामने उसे बिल्कुल दहाड़ दें कि देखिए इस तरह की काम आप मेरे साथ मत करिएगा वरना फिर ठीक नहीं होगा। अगर आप इस तरह से कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद डर जाएगा और दोबारा आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी। बात आती है कि कभी कभी कोई आदमी फ्रस्ट्रेशन बस यानी कि अंदर से बहुत ज्यादा टूटा होता है, बहुत ज्यादा वो परेशान रहता है और कहीं से आया है, मनी मन उसको कोई चीजें सताई जा रही हैं, जैसे कि वो किसी पैसे को लेके परेशान है, किसी बीमारी को लेके परेशान है, या अपनों की कोई चीजें मतलब उसे परेशान करती होती है अंदर ही अंदर, और वो उसे किसी से शेयर नहीं कर पाता है और कहीं जाता है और उसे हंसी खुशी का माहौल मिल जाता है, तो उस टाइम पे उसे अच्छा नहीं लगता है और फिर वो अंदर से फ्रस्ट्रेट रहता है और वो गुस्सा निकाल देता है, यानी कि सामने वाले का अपमान कर देता है। दी आपको लगता है कि ये व्यक्ति पहले तो कभी ऐसा नहीं करता था और अभी इसके अंदर कुछ दिनों से ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस समय तो बिल्कुल कूल रहे, कभी भी आपको जैसे कोई आदमी इस तरह की बात आपको अपमान करता है, आपको दुखी बातें बोलता है, कड़वी बातें बोलता है, तो तुरंत तो आपको रिएक्ट करना ही नहीं है, पहले आप चुप रहें, पहले आप अपने आप को कूल रखें, काम रखें, उसके बाद आप उसे समझें, सोचें कि इसने हमारे साथ क्यों किया, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं उसमें से यदि है तो आप उसी तरह रिएक्ट कर सकते हैं, वरना आप जैसे मैंने कहा कि वो आदमी परेशान है, किसी कारण से दुखी है, तो भी इस तरह की चीजें लोग करते हैं, तो आप उसे प्यार से समझाएं, पहले उसे कुछ खाने पीने को दें, जैसे सिचुएशन हो उसी तरह से आप हैंडल करने की कोशिश करें, दो शब्द उसके साथ प्यार भरी बातें करें। देखो प्यार बहुत जरूरी होता है कि हम किसी को प्यार से जीत सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि बिना लड़ाई झगड़े के भी उसे समाप्त की जा सकती हैं, चाहे वो सामने वाला आपका अपमान ही क्यों ना करे। ऐसे में क्या होता है, तो आप जब उससे प्यार भरी बातें करेंगे, आप उस चीज को इग्नोर कर दीजिए उस समय, बल्कि आप ना करिए, दो तीन दिनों के बाद इस तरह का काम करेंगे और उसे आप समय देंगे, उसके मन की बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति क्यों कर रहा है। आप यकीन मानिए कि वो व्यक्ति फूट फूट कर आपके सामने रोने लगेगा और अपने मन की भड़ास जो अपने उसके दिल में दबा के उसने रखी है वो सामने आपके खोल देगा। तो इस तरीके से यदि वो फ्रस्ट्रेट है, यदि वो परेशान है, तो आप कहता है फिर आप उसकी हेल्प करिए और उसे सपोर्ट करिए, मोरल और जिस तरीके से भी वो चाहता हो उसकी आप सपोर्ट करते हैं और वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो इस तरीके से यदि आपके साथ कोई अपमान भरा शब्द इस्तेमाल करता है या फिर आपको कोई अपमानित करता है, तो इस तरीके से आप रिएक्ट करके उस चीज को बदल सकते हैं। और दोस्तों कभी भी बार बार आप अपमानित ना हुई, अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देना चाहिए। हमारी जो आत्मा होती है वो भी एक ईश्वर का रूप होती है, तो हम कभी उसे ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इस तरीके से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी कि आप किस तरीके से जब कोई आपको अपमानित करता है तब आप कैसे हैंडल करें और उस सिचुएशन को कैसे संभालें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।